गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. सब्जेक्ट अकाउंट. नाउ एग्जांपल नंबर 4. ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हमने एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 दिखा था. एग्जांपल नंबर 4 है. यहाँ पे सीला, सुरभि एंड सीमा आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:7:9. मतलब यहाँ पे रेशियो दिया है तीनों पार्टनर का, सीला, सुरभि एंड सीमा का, 5:7:9 में. मैनेजर संकेत इज एंटाइटल टू रिसीव 10% कमीशन फ्रॉम द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच कमीशन. सुरभि रिसीव शेयर इन द प्रॉफिट ₹7,000. यहाँ पे बोला मैनेजर संकेत. सबसे पहले तो मैनेजर संकेत, ये तीसरा मीन्स न्यू मैनेजर है, क्योंकि ये पार्टनर्स में मैनेजर नहीं है. सीला, सुरभि एंड सीमा है और संकेत नया है. उसे 10% कमीशन मिल रहा है प्रॉफिट में से. प्रॉफिट निकलने के बाद जो भी तुम्हारा कमीशन प्रॉफिट में से निकलने के बाद सुरभि को टोटल प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 7,000. डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन. सबसे पहले हमें निकालना है कि अमाउंट ऑफ कमीशन के कमीशन मिला कितना. इफ़ यहाँ पे देखो सुरभि को मिल रहा है 7,000, तो सुरभि का यहाँ पे सुरभि कौन सी पार्टनर है, सेकेंड वाली, तो सुरभि का रेशियो कितना है 7, और टोटल कितना होता है ये हमारा 5 + 7 + 9 = 21. तो अगर सुरभि को मेरा 7,000, मतलब 7,000 उसका रेशियो है 7 और टोटल है 21. तो हम सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकालते हैं. टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे कि सुरभि का प्रॉफिट है 7,000, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा. तो सेम 7,000 मल्टीप्लाई टोटल परसेंट, टोटल रेशियो. टोटल रेशियो मतलब टोटल हमारा यहाँ पे रेशियो कितना है, 21. तो 7,000 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड बाई 7, तो टोटल प्रॉफिट आया 21,000. जैसे हम करते थे ना पार्टनर रेशियो निकालते थे, कैसे लिखते थे, पार्टनर रेशियो इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई पार्टनर रेशियो डिवाइड बाय टोटल रेशियो. वही सेम फार्मूला है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे उस वही वाला फार्मूला यूज़ करके भी तुम कर सकते हो. जैसे कि हमने लिखा पार्टनर रेशियो, तो पार्टनर रेशियो पार्टनर प्रॉफिट, तो पार्टनर प्रॉफिट में लिखा 7,000 इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट में हमारा कुछ भी नहीं, मल्टीप्लाई पार्टनर रेशियो. तो पार्टनर रेशियो 7, नीचे है टोटल रेशियो 21. अब यहाँ पे डिवाइड में 21 है, तो इक्वल के इधर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 21. तो इसके लिए 7,000 मल्टीप्लाई 21, और इधर हमारा मल्टीप्लाई में था तो इक्वल के उधर जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा. तो ये हमारा आया 21,000 डिविजिबल प्रॉफिट. ये हमारा आया सबसे पहले प्रॉफिट. अब हमारा क्या है, मैनेजर संकेत इज रिसीव 10% कमीशन. मैनेजर संकेत को 10% कमीशन मिल रहा, तो मैनेजर तो नया है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम उसका कमीशन निकालेंगे. तो कमीशन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ कमीशन. तो ये सेम प्रॉफिट हमारा 21,000 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि परसेंटेज हमारा 10, तो 21,000 मल्टीप्लाई 10 डायरेक्टली परसेंटेज के साइन प्रेस करो, आइदर डिवाइड बाय 100, कि परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए हम डिवाइड बाय 100 करते, तो हमारा कितना आया 2100. तो ये हमारा हुआ डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन. कमीशन हमारा मिल गया 2100. अब हमें और भी पूछा है, ऑल्सो डिटरमाइन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन. कमीशन से पहले हमारा प्रॉफिट कितना था, तो कमीशन से पहले प्रॉफिट कितना था, तो प्रॉफिट में हम प्लस करेंगे कमीशन, तो बिफोर प्रॉफिट मिल जाएगा. तो सेम प्रॉफिट बिफोर कमीशन के लिए डिविजिबल प्रॉफिट, जो भी हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसमें प्लस करेंगे कमीशन दोनों को. तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया था हमारा 21,000 प्लस कमीशन आया 2100, तो दोनों को प्लस किया तो 23,100. ये हमारा आया प्रॉफिट बिफोर कमीशन. तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4. नाउ एग्जाम्पल नंबर 5. रिया, दिलीप एंड कीर्तन आर द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. यहाँ पे हमारे तीन पार्टनर हैं, एक है रिया, दूसरा है दिलीप, तीसरा है कीर्तन. द शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 ऑफ द शेयर ऑफ दिलीप. जो भी दिलीप का शेयर होगा उसका 1/5 होगा कीर्तन का. एंड द शेयर ऑफ रिया इज डबल द शेयर ऑफ कीर्तन. और जो भी रिया का शेयर होगा, जो भी रिया का होगा वो कीर्तन का डबल होगा. मतलब कीर्तन का अगर 1/5 है तो रिया का उसका डबल. डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर. हर पार्टनर का प्रॉफिट हमें ढूंढना है. इफ़ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फर्म का प्रॉफिट कितना है, 1,92,000. सबसे पहले हमें शेयर निकालना पड़ेगा. तो अगर मैं सपोज हम करते हैं कि दिलीप का 1 है. अगर मैंने दिलीप का 1 लिया तो कीर्तन का कितना होगा, 1/5, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है
कि द शेयर ऑफ कीर्तन इज़ 1/5 ऑफ द शेयर ऑफ दिलीप, कि अगर दिलीप का 1 है तो कीर्तन का कितना होगा 1/5, और अगर कीर्तन का जितना भी होगा उसका डबल, तो अगर कीर्तन का 1/5 है तो रिया का क्या होगा 2/5, हमेशा ऊपर वाला ही डबल होता है, नीचे का डिनोमिनेटर नहीं, तो उसका क्या होगा 2/5। तो हमारा क्या आया 1 का 1, यहाँ पे हमने लिखा रिया का 2/5, दिलीप का 1 और इसका कीर्तन का 1/5। अगर हम देखें तो देखो इसके नीचे 5 है, इसके नीचे यहाँ पे सिर्फ 1 था, यहाँ पे 5 है, तो हमें एलसीएम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से या नीचे सेम करने के लिए, तो 1 × 5, अगर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 5 से करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 × 5 = 5 और यहाँ पे 1 और नीचे 5 5 5, तो हमारा है 2 5 1, यहाँ पे ये रहा 2 5 1। तो ये हमारा आया न्यू, जो भी हमारा शेयर है जो हमने निकाला यहाँ से। उसके बाद क्या बोला था, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, कि हमें प्रॉफिट की अमाउंट निकालना है। तो यहाँ पे सेम प्रॉफिट की अमाउंट हमें ऑलरेडी दे दिए कि एंड में हमारा 1,92,000 प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को हमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना है ये वाले रेशियो में, जो रेशियो दिया है वैसे। सबसे पहले रिया का निकालेंगे, तो रिया का कैसा होगा, प्रॉफिट मल्टीप्लाई उसका शेयर, उसका शेयर कितना है 2, टोटल कितना होता है 8, तो 1,92,000 मल्टीप्लाई 2/8, तो मिलेगा रिया का। वैसे ही दिलीप का करेंगे 1,92,000 मल्टीप्लाई 5/8, 1,20,000। वैसे ही कीर्तन का 1,92,000 मल्टीप्लाई 1/8, तो मिलेगा 24। ये हमारा हुआ डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6। मिलिन, हेमंत एंड रासिक हैव डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट ऑफ द फर्म एट रुपीज 1,89,000 इन इक्वल प्रपोजन। इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इट इट 1/4 प्रपोजन, टू रेक्टिफाई दिस मिस्टेक व्हाट ट्रीटमेंट इज टू बी गिवन टू द कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले क्या बोला है कि हमारे 3 पार्टनर है जो है मिलिन, हेमंत एंड रसिक, इन लोग ने क्या किया है 1,89,000 को इक्वल प्रपोजन में, मतलब इक्वली तीनों ने आपस में बांटा था। इंस्टेड मतलब जबकि हमारा करेक्ट है 1/4, हमें बांटना था 1/4 में, और जबकि हमने क्या कर दिया इन लोग ने कि 1,89,000 को इक्वली बांटा है, तो ये जो भी इन लोग ने मिस्टेक की है उसको रेक्टिफाई करना है मिस्टेक को, और उसकी रेक्टिफाई करने का उसकी एंट्री करना। जब भी हमें रेक्टिफाई करने को बोला हो, इट मीन्स हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पार्ट 2 अकाउंट में रेक्टिफिकेशन एरर देखा है चैप्टर नंबर 1, तो वैसे हमें यहाँ पे रेक्टिफिकेशन एरर मतलब हमें जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। तो पहले हम रेक्टिफाई करते हैं फिर उसकी जनरल एंट्री करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या बोला है, जो करेक्ट दिया है वो हम लिखते हैं। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन किस में करना था, 1/4 में, तो ये रहा 1/4 में 1,89,000 को बांटेंगे। सेम बांटने का तरीका वही है, यहाँ पे हमारे 3 पार्टनर हैं मिलिन, हेमंत, आसिक, 1,89,000 मल्टीप्लाई 1/7, तो हमारा मिलेगा 27। वैसे भी सेकेंड वाले का ढूंढना है, तो 1,89,000 मल्टीप्लाई 2/7, तो 54। थर्ड वाले का 1,89,000 मल्टीप्लाई 4/7, तो 1,08,000। इस तरह से हमने तीनों को बांटा, डिस्ट्रीब्यूट किया तीनों के बीच में हमारे जो न्यू जो हमारा करेक्ट रेशियो था उसमें। अब हम नीचे लिखते हैं इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने इनकरेक्ट किया, हमने क्या किया है 1,00,000 जो भी लोग ने किया 1,89,000 को इक्वली, तो 1,89,000 कितने पार्टनर हैं मिलिन, हेमंत, रसिक, तो डिवाइड बाय 3, तो तीनों में 63 63 63, ये सब इतना हुआ करेक्ट। अब उसके बाद हम एरर डिफरेंस निकालते हैं, मतलब एरर जो हमने मिस्टेक किए वो करते हैं। करेक्ट के हिसाब से क्या था कि मिलिन को कितना देना था, सिर्फ 27,000 प्रॉफिट में से, और जबकि इनकरेक्ट की वजह से हमने उसको लोग ने क्या किया 63,000 दिया है, तो अगर उसको सिर्फ 27,000 देना था और उसकी जगह पे हमने 63,000 दिया, तो उसके जो भी अकाउंट उसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि उसके अकाउंट में से निकालना पड़ेगा, तो हम इसको माइनस करेंगे, तो ये हमारा आया 36,000 डेबिटेड। इतना समझ में आया। सेकेंड ये हमारा क्या था, इसको हमें सिर्फ 54 देना था, हमने 63 दिया, तो यहाँ पे भी हम माइनस करेंगे 63 में से 54, तो हमारा आया
9000, तो ये भी हमारा डेबिटेड। यहाँ पे हमारा क्या था कि हमें देना था 1,08,000 और हमने दिया है सिर्फ 60, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्लस करना पड़ेगा, उसे और देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस निकाला और उसको हम प्लस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे, अगर उसके अकाउंट में हमने कम दिया है, जैसे उसके अकाउंट में हमने कम दिया है और हमें और ज़्यादा देना है, जैसे कि यहाँ पे हमें 63 दिया है खाली और जबकि हमें 1,08,000, तो उसके अकाउंट में प्लस करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और अगर किसी को हमने ज़्यादा दे दिया उसमें से निकालना है, जैसे कि यहाँ पे हमें इसको सिर्फ 54 देना था, हमने 63 दिया है, तो उसके अकाउंट में हम डेबिट करेंगे। अब इसकी हम जनरल एंट्री करते हैं, जैसे कि नॉर्मली करते हैं। जनरली का फॉर्मेट वही है, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट एंड क्रेडिट, जो ऑलरेडी 11th में हमने सीखा है। तो जो हमने जिसको डेबिट किया सबसे पहले उसका नाम, जैसे फर्स्ट है तो मिलिन कैपिटल करंट अकाउंट डेबिटेड अमाउंट कितना है 36, जो डिफरेंस आया है वो। हेमंत कैपिटल अकाउंट कैपिटल करंट अकाउंट डेबिटेड अमाउंट कितना है 9। टू रसिक कैपिटल्स करंट अकाउंट और अमाउंट कितना है 45, सेम ये दोनों को प्लस करके 45, ये 45, तो टैली हो गया हमारा। और बीइंग में वही लिखेंगे कि प्रॉफिट एंड क्रेडिट अकाउंट, जो भी क्रेडिट हमारा अकाउंट था जो भी रॉन्ग था उसको हमने करेक्ट किया। तो यहाँ पे आप तो ऐसे भी लिख सकते हो, बीइंग रेक्टिफाई द करेक्ट एंट्री एंड रिकॉर्डेड देम, जैसे भी एज वेल एज बीइंग अपने दिमाग से लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। ऑलरेडी मैंने एक्सरसाइज में नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 4 बोला था। नाउ तुम्हें नंबर 3 वाला, सम नंबर 3, देन सम नंबर 5 एंड 6, इट मींस तुम्हारा नंबर 6 तक हो गया है, 1 to 6। तो ये तुम्हें कर लेना है, चाहे सम नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का शॉर्ट सम जो भी है ब्रीफ में, उसमें 1 to 6 ना कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।